बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम इन आवर ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डाटा वेयर हाउस के बारे में कि डाटा वेयर हाउस क्या होता है। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ। जी, डाटा वेयर हाउस इज़ अ लार्ज रिपोजिटरी ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो डाटा वेयर हाउस है वो एक बहुत बड़ी डाटाबेस होती है। डाटाबेस के बारे में तो आपने सुना ना कि डाटाबेस क्या होती है, या डाटा वेयर हाउस डाटाबेस से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो मीन्स के जो डाटा वेयर हाउस है वो एक डाटा की लार्ज कलेक्शन होती है, जिसे हम डाटा को एक जगह पे स्टोर किए हुए होते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा वेयर हाउस होती है वो डाटा की एक बहुत बड़ी लार्ज कलेक्शन होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ डाटा वेयर हाउस इज़ क्विट डिफिकल्ट। क्या मतलब? मतलब ये है कि देखें, जो डेटाबेस होती है, डेटाबेस जो तो डाटा वेयर हाउस की नस्बत बहुत छोटी होती है, उसे डाटा वेयर बेस को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जो डाटा वेयर हाउस होती है ये तो डेटाबेस की नस्बत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जाहिर है जब बड़ी होगी तो फिर इसे बनाना भी मुश्किल होगा। तो दूसरे पॉइंट में यही बात की जा रही है कि जो डाटा वेयर हाउस है उसे बनाना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना होता है। तो इसलिए इसे डाटा वेयर हाउस को बनाना मुश्किल होता है, फिर उसे मैनेज भी करना होता है, तो बहुत से मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर तीन पे, डाटा कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो डाटा है वो बहुत से सोर्सेज से आ रहा होता है, कि मीन्स कि आप एक डाटा, फर्ज करें आप एक डाटा वेयर हाउस बना रहे हैं, आप एक डाटा वेयर हाउस बना रहे हैं। अब डाटा को आप कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ठीक है, वो मतलब कि डाटा कई सोर्सेज से आ रहा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट ये है, द साइज ऑफ डाटा वेयर हाउस में रेंज फ्रॉम 10 GB टू 1 TB। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक डाटा वेयर हाउस होता है उसका साइज 100 GB से लेके एक टेरा बाइट से ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। अब देखिए, जो डेटाबेसेस होती हैं, हम फर्ज करें एक डेटाबेस है उसका साइज है 50 GB, 70 GB। देखिए वो थोड़ा है, वो डाटा उस डेटाबेस के हिसाब से थोड़ा है। लेकिन जो डाटा वेयर हाउसेज होते हैं इनका जो साइज होता है वो TBs के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बस उन्होंने एक अंदाज़ा बताया हुआ है कि जो एक डाटा वेयर हाउस होता है उसका जो साइज होगा वो 100 GB से लेके 1 TB या इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है, इट हेल्प टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अब ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, ये खास किस्म के डिसीजंस होते हैं। तो टेरा जो ये है डाटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशंस में इन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेने में हेल्प करती है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसके मजीद डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ डाटा वेयर हाउस, तो आपने उसे इस हिसाब से लिख लेना है। तो ये बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं ये खास किस्म के डिसीजंस होते हैं, डाटा वेयर हाउस इन डिसीजंस को लेने में मदद करती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल डाटा वेयर हाउस के बारे में। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके लिए हमारा आज का ट्यूटोरियल कितना यूज़फुल रहा। और हाँ, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।